सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से 49 यात्रियों का पहला दल यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये सभी यात्री बाबा नीव करोली, जागेश्वर धाम, चितई और गुंजी होते हुए आदि कैलाश पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम करा रहा है। वहीं जून महीने तक यात्रा के लिए 488 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चुनावी माहौल के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अक्सर मोदी की गारंटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी उत्तराखंड में होने वाली आदि कैलाश यात्रा पर फिट बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी का असर शिव के आदि कैलाश धाम में साफ दिखाई दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में अब गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। चार धाम के बाद अब सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है, जो कुमाऊं में काठगोदाम से शुरू होकर पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर पर मौजूद शिव के धाम आदि कैलाश पर जाकर पूरी होगी। श्रद्धालुओं में इस यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ। काफी दिनों से हमने ये प्लान किया है कि वी विल गो और ये तीर्थ यात्रा करेंगे, तो आज वो सफल होने वाला है, ये देख के तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एक्साइटेड हूँ। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ जाके बताया है, तब से हम लोग का मन चल रहा है और हम लोग ने तब से सोच लिया कि हमें भी वहाँ दर्शन करने जाना है, तो हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया और अब हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है जो आज हमें शुभ घड़ी का आदान प्रदान किया कि हम कैलाश पर्वत की ओर ओमकार पर्वत के दर्शन करने जा रहे हैं। शिव के आदि धाम के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से कराई जा रही इस यात्रा को लेकर यात्रियों का बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि पहले से ज्यादा लोग अब इस यात्रा में जाना चाहते हैं और इसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने से निश्चित रूप से पर्यटन पे बहुत फर्क पड़ा है और यात्रा पे मतलब काफी बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार लगभग 325 लोग थे, इस बार अभी तक कुल 488 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि काफी फर्क आया है और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि भी काफी रजिस्ट्रेशन होंगे। दरअसल चीन के साथ खराब संबंधों के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा कई सालों से बंद है। ऐसे में तकरीबन 6 महीने पहले पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। पीएम की इस यात्रा के बाद से आदि कैलाश देश और दुनिया में चर्चित हो चुका है। ऐसे में इस बार की आदि कैलाश यात्रा भी बेहद खास है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।